हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हो जहां पे भी हो। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूं प्रतिभा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां हम बात करते हैं मेकअप स्किन केयर फैशन के बारे में एवरी ट्यूजडे एंड सैटरडे। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने सब कुछ आईब्रोज के बारे में कवर किया, शेप्स के बारे में, कौन से फेस शेप पे कौन सा आईब्रो शेप अच्छा दिखता है, ब्रांड्स बेस्ट है मार्केट में जो आप लोग खरीद सकते हो, तो ये सब कुछ हमने देखा है। तो आज का जो वीडियो है गाइज वो है आई मेकअप के बारे में हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे होता है अपना आई का शेप, कहाँ पे होता है अपना क्रीज, कहाँ पे होता है अपना टियर, सब कुछ हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। मेन रूल होता है ना कि कैसे आपको आपका आई शेडो प्लेस करना है आई मेकअप में, ये मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट गाइस। ये अपना आई है तो बहुत सारे आई टाइप्स होते हैं गाइस, टाइप्स ऑफ आईज है ना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट आज मैं आपको आई मेकअप का जो रूल है, मतलब कैसे आपको आई मेकअप को प्लेस करना है, ये हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो ये अपना बेसिक आई शेप है, तो अपने आई शेप में ये जो अंदर का पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये होता है अपना टियर डक्ट एरिया, ये अपना टियर डक्ट है। सेकेंड, ये जो डबल लाइन मैंने निकाला है ये है अपना लोअर वाटर लाइन, मतलब ये वाला लोअर वाटर लाइन। फिर ऊपर जो है ये है अपने अपर वाटर लाइन, मतलब यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, मतलब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये अपना अपर वाटर लाइन है। और यहाँ पे होते हैं अपने आई लैशेस, ये वाले बीच में। और फिर ये जो मैंने लाइन निकाला है ये अपना आई प्यूपिल है, जो ये आई बॉल है। और फिर ये जो है वो अपना इनर क्रीज है। क्रीज मतलब क्या? तो ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये अपना इनर क्रीज है। और ये जो ऊपर है अपने जो आईब्रो का जो आर्च आता है उसके जो नीचे यहाँ पे आता है ना, वो अपना है ब्राउ बोन। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा। ये जो लाइन है वो इनर क्रीज है, ये ब्राउ बोन है, ये अपर वाटर लाइन है, लोअर वाटर लाइन है, टियर डक्ट है, और ये आई प्यूपिल है, और ये अपने आईब्रोज है। तो बेसिकली जब भी हम लोग आई मेकअप करते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अपना क्रीज कहाँ पे है। तो बहुत सारे आई शेप्स है, हुडेड आईज है, राउंड आईज। आज मैं आपको बेसिकली रूल बताना चाहती हूँ कि कोई भी आई शेप हो गाइस, आपको कैसे आई शेडो लगाना है। तो जब भी हम लोग आई शेडो लगाते हैं तो अपना जो आई शेडो है ना वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। आपके आई प्यूपिल है, मतलब ये जो आई बॉल है ना उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपका फर्स्ट कलर आता है, फर्स्ट कलर, ठीक है, यहां तक आपका फर्स्ट कलर होता है। फिर ये आई प्यूपिल जितने एरिया में है आपके आंखों के, उसका ऊपर का जो एरिया है, मतलब यहां तक ये जो आई प्यूपिल ने जितना कवर किया है आपके आंखों को, उसके ऊपर का जो एरिया कवर हुआ है ना इतना, ये वाला एरिया है आपका सेकेंड कलर का जगह। जब आप हेलो आई करते हो या कुछ भी करते हो तो आपके आई प्यूपिल के बीच में जो जगह होती है वहां पे आपका सेकेंड कलर आता है। और आई प्यूपिल के बाद में, मतलब ये जो आई बॉल है उसके बाद में, जब आप स्ट्रेट देख रहे हो तब ये आई प्यूपिल जहां पे खत्म होता है और वहां से लेके एंड नीचे, वो है आपका थर्ड पार्ट। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पे कलर्स प्लेस करने होते हैं। अगर हम लोग थ्री कलर आई मेकअप कर रहे तो फर्स्ट कलर हमको अपने आई प्यूपिल के अंदर टियर डक्ट से लेके यहां तक होता है, सेकेंड यहाँ पे अपने आई बॉल है उसके ऊपर जितना ये बीच का एरिया कवर हुआ है ये अपना सेकेंड कलर का जगह होता है, और ये आई प्यूपिल जहां पे खत्म हुआ है उसके बाद से लेके यहां तक जो जगह है वो अपना थर्ड कलर का जगह होता है। तीन कलर कैसे आपको लगाना है आपके आंखों पे, ये मैंने आपको प्लेसमेंट्स बता दी है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको दो कलर ही लगाना है तो कैसे होगा। तो पहला रूल जो होता है वन थर्ड प्लस टू थर्ड, वन थर्ड प्लस टू थर्ड, मतलब क्या? यहां तक मेरा हो गया वन थर्ड पार्ट और इसके बाद का जो भी है ये पूरा मेरा हो गया टू थर्ड पार्ट। अगर मेरे को सिर्फ गोल्ड एंड रेड कलर का आई मेकअप करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अगर मेरे को शिमर लगाना है तो मैं सिर्फ अपने आंखों के वन थर्ड पार्ट में, मतलब जहां पे तक मेरी आई प्यूपिल है ना वहां तक मैं अपना गोल्ड का शिमर लगाऊंगी यहाँ पे आईलिड्स पे। और ये जो पीछे है ना यहाँ पे मैं पूरा क्या करूंगी, मैट कलर जो भी आपको लगाना है, टू कलर अगर आपको लगाना है, गोल्ड लगा रहे हो तो फर्स्ट वन थर्ड में गोल्ड आएगा और सेकेंड टू थर्ड में आपका रेड कलर आएगा। आपको बस एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी आप लोग टू कलर टेक्निक यूज कर रहे हो, मतलब दो ही कलर यूज कर रहे हो अपने आई मेकअप में, तो हमेशा याद रखिए आपका जो आई प्यूपिल के बीच में आपका दो कलर पार्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो आपका आई प्यूपिल है ना उसके बीच में आपका एक कलर और फिर सेकेंड कलर इसके बीच से चालू होता है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए गाइज। इसीलिए मैं आपको ये रूल समझा रही हूं कि आई प्यूपिल के यहाँ पे आपका वन थर्ड होता है, आई प्यूपिल के ऊपर का पार्ट टू थर्ड होता है, आई प्यूपिल के बाद वाला जो पार्ट होता है वो
थर्ड पार्ट होता है। तो अगर दो कलर यूज कर रहे हो तो कभी भी याद रखिए आपको 1/3 + 2/3 ऐसा रूल अप्लाई करना है। तो बीच में अगर आपकी आंखें कट गई दो कलर के वजह से तो अच्छा नहीं दिखता है, तो इसीलिए आपको ये वाला रूल अप्लाई करना। सेकेंड जो रूल है गाइस, 2/3 + 1/3 मतलब क्या, अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा मैं गोल्ड लगा रही हूँ, आई प्यूपिल खत्म होने तक पूरा मैं गोल्ड शिमर लगा रही हूँ और फिर एंड में मैं दूसरा कलर लगा रही हूँ। तो ऐसे मैं अपने दो कलर्स को डिवाइड कर रही हूँ, यहां तक शिमर चाहिए और फिर इसके बाद मैं कोई भी मैट कलर लगाऊंगी। और थर्ड जो रूल है गाइस वो मैंने ऑलरेडी आपको ड्रॉ करके दिखाया है, 1/3 + 1/3 + 1/3। तो 1/3 पार्ट 1/3 पार्ट 1/3 पार्ट। तो गाइस यहाँ पे मैंने अच्छे से ड्रॉ किया है क्योंकि अभी आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पे आपकी क्रीज है, कहाँ पे आपका टियर डक्ट है, कहाँ पे आपका आउटर कॉर्नर है, ब्राउ बोन है, ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। आप लोग गोल्डन और ब्राउन कलर का आई मेकअप कर रहे हो और आपको 1/3 + 2/3 रूल अप्लाई करना है तो पहले 1/3 में आएगा गोल्डन शिमर और 2/3 पार्ट में मतलब ये और ये पूरा इतना पार्ट में आएगा ब्राउन कलर, पूरा इतना पार्ट में, ये हो गया 1/3 + 2/3। अगर आप लोग 2/3 + 1/3 रूल अप्लाई कर रहे हो तो ये जो गोल्डन कलर है ये पूरा यहां तक होगा आपके आई प्यूपिल के एंड तक और फिर आई प्यूपिल के बाद जितना पार्ट है वहां पे आपका सिर्फ ब्राउन होगा। तो ये हो गया आपका 2/3 + 1/3 का रूल। लास्ट है 1/3 + 1/3 + 1/3, उसमें तीन कलर्स अगर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे पहले इनर कॉर्नर में आएगा गोल्डन शिमर, सेकेंड प्यूपिल के ऊपर आप लोग को शायद लाइट ब्राउन लगाना होगा तो आप लोग लाइट ब्राउन लगा सकते हो, ये हो गया सेकेंड कलर, और आई प्यूपिल से लेके आंखों के एंड तक मतलब आउटर कॉर्नर पे आप लोग डार्क ब्राउन लगा सकते हो। तो ऐसे आप लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आपके आई मेकअप को। तो ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा अभी कि कैसे आपको ये रूल अप्लाई करके आई मेकअप करना है। बस आपको एक ही चीज नहीं करनी है, वो है कि ½ + ½ ये वाला रूल नहीं करना है कभी भी अप्लाई, ½ + ½ मतलब यहां पे ऐसे आके यहाँ पे गोल्डन यहाँ पे ब्राउन, ऐसे हाफ और हाफ में कभी डिवाइड मत कीजिए अपने आई मेकअप को, बस ये एक चीज आपको याद रखनी है। तो अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कैसे आपको आई मेकअप करना। आज का जो सेशन है मैं आपको इतना ही समझाना चाहती हूँ कि ये कौन से रूल्स हम लोग अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आई शेप्स देखेंगे, हुडेड आईज के बारे में बात करेंगे, कैसे आई शेप्स को पहचानना है कि आपका आई शेप कौन सा है, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइस। सो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा, कंफ्यूजिंग लगा है तो वापस देखो, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है गाइस, कुछ भी हार्ड नहीं है। लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, और सब्सक्राइब पक्का करना ओके और बेल बटन भी जरूर क्लिक करना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले पता चले। सब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक, टिल देन बाय एंड टेक केयर।